नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं आने वाली संविदा शिक्षक परीक्षा की। दोस्तों, इस परीक्षा का बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार है और इतनी ज्यादा वैकेंसी आज तक मध्य प्रदेश में नहीं आई है, तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार संविदा परीक्षा की भर्ती जल्द से जल्द कराने वाला है और बहुत सारे न्यूज़पेपर में बताया गया है कि 8 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और मार्च अप्रैल में एग्जाम भी होने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके दिल में एक जज्बा है कि आपको एक शिक्षक बनना है जो लोगों के भविष्य को आकार देता है, तो आप जरूर बन जाएंगे। मगर इसके लिए आपके दिल में एक पर्पस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि आप कम मेहनत करके भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करके संविदा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, जो लोग तैयारी करते हैं उनमें और जो लोग तैयारी नहीं करते, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है पर्पस का। दोस्तों, अगर आपके पास पर्पस है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, अगर आप मजबूरी में शिक्षक बनना चाहते हैं कि कहीं आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो चलो शिक्षक ही बन जाते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी और हो सकता है कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में ना आए। मगर आपके पास पर्पस है कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं जिससे कि आप दूसरों के भविष्य को साकार कर पाएं, आप दूसरों के भविष्य को एक आकार दे पाएं, तो यकीन मानिए दोस्तों, कम मेहनत में भी आप ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक पर्पस है। अगर लाइफ में पर्पस होता है ना, और वही काम हम करते हैं, तो बहुत आसानी से हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे जैसे हो जो एक शिक्षक बनना चाहता है, जैसे मैं शिक्षक हूं, इसलिए मैं एक बहुत प्यारा सा स्लोगन अपने इंस्टीट्यूट में रखता हूं। ये मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ये कहूं कि मैं एक बहुत ही महान शिक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ स्लोगन है, जो मैं अपने इस बैनर में भी यूज कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि शिक्षक एक बहुत ही महान पेशा है। शिक्षक एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। वो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। ये कथन है हमारे पूर्व एक महान शिक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक टीचर हूं, मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% दूं और मेरे जो स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए और अपनी जीवन में सफलता हासिल करें। तो मैंने 90 दिनों का एक बहुत ही प्यारा फार्मूला तैयार किया है, जिसे आप पाकर आसानी से संविदा शिक्षक की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा काम है, हम आपको एक सही डायरेक्शन, सही मटेरियल, प्रॉपर गाइडेंस और एक बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही प्यारा माहौल देंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और हमारी इंस्टीट्यूट AS एकेडमी आपको ये सभी चीज देती है, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एनवायरमेंट, प्रॉपर स्टडी मटेरियल और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाते हैं, नई नई मेथडोलॉजी यूज करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करने में आपको आसानी हो। दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि मेहनत से हम सफल नहीं होते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, क्या वो सफल होते हैं? तो आपको मेहनत करना है, सही डायरेक्शन में करना है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, मैं अपनी लाइफ में उस कहानी से बहुत इंस्पायर हुआ हूं। एक गांव में कई लोग होते हैं और उस गांव में सूखा पड़ जाता है। जब सूखा पड़ जाता है तो लोग कहते हैं कि यार, अब गांव में रहना तो मुश्किल है, हमें गांव को छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर एक जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उस गांव के, बोलते हैं क्यों ना हम कुआं खोदें जिससे पानी निकल जाएगा और हम लोगों को गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर रहा कि भाई कुआं खोदेंगे। तो वो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई तालाब जहां सूखा हो गया, तालाब है वहीं खोलते हैं तो पानी जल्दी निकल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, 20 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता। तो एक समझदार गांव का बोलता, मैंने बोला था यहां मत खोदो, यहां पानी नहीं निकलेगा, मंदिर के पास खोदो, वहां भगवान की कृपा है, वहां पानी निकल जाएगा।
फिर उस आदमी की सुनते हैं लोग बाग, मंदिर के पास जाकर 20 फीट गहरा और गड्ढा खोदते हैं, वहां भी पानी नहीं निकलता। फिर एक सज्जन बोलता, अरे पीपल के पेड़ के पास खोदो, वहां पानी जरूर निकलेगा, वहां तो भगवान वास करते हैं। तो उस आदमी की बात सुनकर पीपल के पेड़ के पास जाकर गड्ढा खोदा जाता है, 20 फीट गड्ढा खोदा जाता, वहां भी पानी नहीं निकलता। फिर एक बोलता है, भैया गांव का एक नीम का पेड़ है, वहां खोद के देख लो, अगर वहां पानी निकल जाए तो वहां खोदते हैं। इस तरह से 5 जगह 20-20 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं, कहीं भी पानी नहीं निकलता। दोस्तों अगर गड्ढा एक ही जगह खोदा जाता, जैसे 20-20 फीट 5 जगह गड्ढा खोदा गया तो कितना फीट हो गया, 100 फीट। अगर गड्ढा एक ही जगह खोदा जाता तो पानी निकल आता। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपको एक ही गड्ढा खोदना है, आपको 100 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, मतलब आपको 3 महीने सिर्फ और सिर्फ संविदा की तैयारी करना है, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, जिससे आप आसानी से इस परीक्षा को क्लियर कर पाए। कुछ लोग बात करते हैं कंपटीशन मार्केट में बात है, यकीन मानिए दोस्तों कुछ कंपटीशन नहीं है, बस फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, तैयारी तो कुछ लोग ही करते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं संविदा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में, हमारे यहाँ बेचेस चालू हो चुकी है। 21 दिसंबर से ही बेचेस चालू हो गई है, पर न्यू बेच, ए फ्रेश न्यू बेच जल्द से जल्द हमारे यहाँ चालू होने वाली है 15 जनवरी से। हमारे यहाँ 15 जनवरी से फ्रेश वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की बेचेस चालू होने वाली है। तो अगर आप हमारे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मटेरियल और प्रॉपर एनवायरमेंट के साथ, तो आप जल्द से जल्द AS Academy ज्वाइन कीजिए, जिससे हम आपकी मदद कर पाए। हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास आपकी सफलता। AS Academy आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा और आपकी इसी तरह से मदद करता रहेगा और आपको ऐसे इंस्पायर वीडियो देता रहेगा जिससे आप इंस्पायर हो और अपनी लाइफ में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।